दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी इज वन ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। आई एम श्योर इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो कि महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं। मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर 2021 में जब चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल का फाइनल जीता था, तभी ऑडियंस में एक महेंद्र सिंह धोनी के फैन बैठे थे। उन्होंने एक पोस्टर पे कुछ अपने पेन से लिखा और उसको उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया। उस पे लिखा था, बस एक ही तो दिल है माही, और कितनी बार जीतोगे। सो महेंद्र सिंह धोनी ने लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है, और ये दिल जीतने का कारण उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग प्लेयर्स दैट हैज एवर एग्जिस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम, बट मोर देन दैट पीपल लव हिम, पीपल अडोर हिम बिकॉज ऑफ हिज काम डिमीनर। महेंद्र सिंह धोनी एकदम शांत स्वभाव के इंसान हैं जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं होते। आई एम श्योर आपने नोटिस किया हो, कितनी ही मुश्किल सिचुएशन हो हमारी टीम की, महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल शांति से आगे बढ़ते रहते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। तो अभी मैं माही का एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे इंटरव्यूअर ने उनसे यही सवाल पूछा कि आप इतनी मुश्किल और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी इतने काम और रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने बोला, देखिए मेरे लिए रिजल्ट डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट मैं उस पर फोकस नहीं करता। ऑफ कोर्स कोई भी टीम अगर क्रिकेट मैच खेल रही है देन दे प्ले टू विन, सो रिजल्ट इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बट महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि गेम खेलते समय मैं उस पर फोकस नहीं करता, मेरा पूरा फोकस प्रोसेस पे होता है, मेरा पूरा फोकस उन स्टेप्स पे होता है जो मेरे कंट्रोल में है, जिनको मैं कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, बैट्समैन की लिमिटेशंस या क्वालिटीज़ के हिसाब से सही बॉलर को चुनना, सही फील्ड का सेटअप करना, अपने बॉलर से कॉन्स्टेंटली बात करते रहना, अपनी टीम को इंकरेज करते रहना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट विल लीड यू टू अ विक्ट्री। और इसी से मिलता जुलता लेसन हमें थ्री इडियट्स जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी उससे भी मिला था। अगर आपको याद हो तो आमिर खान का कैरेक्टर एक बात को रीइंफोर्स करता है, वो होती है कि फोकस ऑन एक्सेलेंस एंड नॉट सक्सेस। वो कहते हैं एक्सेलेंस पे फोकस करिए तो सक्सेस आपके पीछे भाग के आएगी। और मैंने यही चीज मधुशाला के एक वर्स में पढ़ी। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित एक एपिक पोएटिक पीस है। आप में से जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको मालूम होगा मैंने सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए हैं ऑन लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम मधुशाला। मधुशाला के इस वर्स में हरिवंश राय बच्चन जी ने होली, दिवाली और मधुशाला के बारे में बात करी है। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि होली और दिवाली आर अ मेटाफर फॉर सक्सेस और अचीवमेंट्स, कि जब आप जैसे आप फेस्टिवल पे खुशी मिलती है वैसे ही आपको किसी आउटकम को अचीव करने पे खुशी मिलती है। लेकिन मधुशाला इज अ मेटाफर फॉर अ स्टेट ऑफ माइंड दैट इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द प्रोसेस, अ स्टेट ऑफ माइंड दैट इज ऑलवेज चेजिंग द एक्सलेंस एंड नॉट द सक्सेस। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की मधुशाला, रोज मनाती मधुशाला, रोज मनाती।
आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।